राजेंद्र राज दोनों की परम श्रद्धेय अखाड़ा परिषद की तरफ से संत चरण उपस्थित सभी नागरिक सज्जन माता भगिनी युवा शक्ति हम लोग अच्छा काम करेंगे। हम लोगों को क्या करना है इसके बारे में तो आपको एक आधिकारिक उपदेश अब तक मिला है। करना हमको है ये ध्यान में रखना पड़ेगा। यह बात तो सारी दुनिया मानती है, अपना अनुभव है, एक तरह से शाश्वत सत्य है। कलयुग में संगठितता की एकता की शक्ति है और स्थायी एकता शाश्वत एकता स्वार्थ के भरोसे नहीं होती। भय से नहीं होती, भय आदमियों को ज्यादा दिन बांध के रख नहीं सकता। मजबूरी में लोग एक हो जाते हैं लेकिन मजबूरी समाप्त होने के बाद एकता भी समाप्त होती है। और एक होते समय अहंकार को छोड़ा नहीं तो एकता टूट जाती है। ऐसा किस्सा मैंने सुना है कि देवों की और राक्षसों की लड़ाई से, बार बार लड़ाई से विश्व की बहुत हानि होती थी, तो ब्रह्मा जी तंग आ गए और उन्होंने दोनों को बुलाया कि ये रोज रोज का झगड़ा बंद करो, स्वर्ग का राज किसको मिलना है यही झगड़ा है ना, तो कल एक रेस खेलेंगे हम लोग, उस रेस में जो विजयी होगा उसको और उसकी पार्टी को राज्य मिलेगा। तो क्या रेस है, तो यहां से स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाना और उस पर से चढ़कर स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना। सीढ़ी जिनकी पहली बनेगी और जिसका प्रवेश पहले होगा वो और उसकी पार्टी को राज्य मिलेगा। दूसरे दिन तैयार होके सब लोग आए, देवों का दल एक तरफ, राक्षसों का दल एक तरफ, अपनी सीढ़ी खुद बनानी है। ब्रह्मा जी ने स्पर्धा को शुरू करने का संकेत देते ही सब लोग शुरू हो गए। अब देवों का स्वभाव कैसे है, वो देव स्वभाव है, कोई भी काम करेंगे तो लोगों को जोड़कर करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो लोगों को जोड़ने के लिए करेंगे। धर्म पर चलने वाले लोग हैं तो सब जिससे जुड़ जाते हैं, सब जिससे उन्नत होते हैं, सबको जिसमें सब सदा सर्वदा सुख मिलता है ऐसा ही काम करेंगे। वो तुरंत जितने देव थे उतने जुड़ गए, उन्होंने एक मंडल बनाया, उनके कंधे पर बाकी कुछ चढ़ गए, उन्होंने दूसरा, जैसे दही हांडी के समारोह में वो दही की हांडी तक पहुंचा जाता है गोपुरम पिरामिड बना के, ऐसा उनका होने लगा। लेकिन बहुत ऊंचा जाना था स्वर्ग तक, तो बीच बीच में किसी का कंधा उचक जाता था तो पूरा गिर जाता था, फिर से बनाओ, बन ही नहीं रहा था। और राक्षस तो राक्षस बुद्धि के ठहरे, उनको बाकी लोगों से लेना देना क्या है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रकृति पर आक्रमण किया, बड़े बड़े शिखर तोड़ के लाने लगे, पैड़िया बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी शहरों में उसकी दीवारें तोड़ के लाने लगे, पशु पक्षी पर्वतों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले भागने लगे, त्राही त्राही हो गए, लोग भी उधर उधर भागने लगे, सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी, इनको कोई परवाह नहीं। सबसे बड़ी पैड़ी एक सबसे पुराने और बलशाली राक्षस ने दूर हिमालय में जाकर एक विशाल उसका शिखर उखाड़ के ले आया, बिछा दिया और कहा ये मेरी पटरी, उस पर दूसरे छोटे छोटे ऐसे बनने लगे।
अब ऐसा जब होता है कि परिस्थिति कुछ संभली नहीं जा रही, तो परिस्थिति को संभालने वाला संतुलन का तत्व अपने आप पर बार बार किसी न किसी रूप में आता है, कई बार नारद मुनि के रूप में आता है। तो नारद मुनि ये सारा दृश्य देख के निकले, नारायण नारायण करते, और इंद्र को जाके पूछा कि क्या हो रहा है भैया, आप लोगों का आज लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कोई खेल चल रहा है? तो हाँ महाराज, खेल तो चल रहा है, लेकिन चल क्या रही, बिगड़ रहा है। हम सब धर्म मानने वाले लोग हैं, हम धर्म सम्मत पद्धति से काम कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, बार बार करना पड़ता है, बहुत लंबा समय। ये तो जीत जाएंगे, जीतने के बाद भी दुनिया का कल्याण ही करेंगे, हम अच्छे हैं लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो, तुम इसका विचार मत करो, अगर अच्छा है और सत्य है तो उस पर चलो, उससे नुकसान नफे का विचार मत करो, स्वार्थ का विचार करोगे काम नहीं होगा। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनावसी जानताम, ऐसा आगे बढ़ना है, मजबूरी नहीं, भय नहीं, स्वार्थ नहीं, अहंकार भी नहीं, मिलके बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो, होके रहेगा। अगर सत्य है तो सत्य सेना दलों के भार से मरता नहीं, वो बार बार सर पे चढ़ के बोलता है। फिर गए राक्षसों के पास, उनको भी वही पूछा, तो बड़ी पैड़ी डाल के उस पर वो सबसे पुराना राक्षस खड़ा था, क्योंकि पैड़ी अगर हिलने लगी तो ऊपर का सब गिर जाएगा, तो जिसने पैड़ी लाई वो खड़ा होता था। पूछा उसको क्या हो रहा है, तो बोले मुनि महाराज, कुछ दिन के बाद आपको ये नारायण नारायण बंद करना पड़ेगा, सीढ़ी बन रही, हम लोग जाएंगे, हमारी बन जाएंगी सब, हम जाएंगे स्वर्ग में तो राज्य हमारा हो जाएगा, फिर आपके ये सब खेल बंद करने पड़ेंगे हम। बोले अच्छा, आप लोग राजा बनने वाले हो, राजा कौन बनेगा? बोले हम। अरे हम यहाँ सब थोड़ी बनते, कोई तो एक होगा। हाँ, तो बोले उसका तो ऐसा है कि जो पहले अंदर जाएगा वो राजा बनेगा, उसकी पार्टी को राज्य तंत्र मिलेगा। तो बोले पहले अंदर जाएगा यानी कौन? तो बोले वो आखिरी जो खड़ा है ना, छोटा बच्चा, एक कहीं से फर्सी लाई, ईंट लाई, वो लेके खड़ा था, आखिरी फर्सी तो छोटी होगी, वो उसकी होगी, उसको उस पर खड़ा रहना पड़ेगा, वो अंदर जाएगा पहले। तो नारद मुनि ने कहा, ये कैसे भैया, सबसे बड़ा काम तुमने किया, दूर हिमालय से लेके आए, यहां पर तुमने बिछाया, और राजा वो बनेगा, उसने तो कुछ भी नहीं किया, पास ही पड़ी थी किसी पड़े हुए घर की, वो उठा के ले आया। तो नहीं, खेल का नियम है। तो बोले हाँ, ये नियम कानून बनाए जाते ना, तुम्हारे जैसे भोले लोगों के लिए ही बनाए जाते, तुमको राजा नहीं बनने देना है, इसलिए तो ये नियम बना है, तुम भोले ठगे जा रहे हो। तो उसने कहा ऐसे कैसे? तो बोले तो क्या, सबसे पुराने तुम हो, सबसे बड़ा काम तुमने किया, सबसे ज्यादा परिश्रम तुम्हारा है, तुम नीचे इस पर खड़े हो तब तक ऊपर बनता रहेगा, और अब राजा बनने का चांस आ गया, तो तुमको कुछ नहीं। नारायण नारायण ऐसे कहते नारद मुनि चले गए, लेकिन इसके दिमाग में तो कीड़ा डाल दिया, उसने काम रोक दिया, सबको बुलाया, नीचे आओ नीचे आओ, बात करो। पूछा उसने, राजा कौन बनेगा? तो बोले भाई, राजा जो पहला जाएगा वो जाएगा छोटा बच्चा। तो बोले वह कैसे बनेगा, वो तो छोटा बच्चा है, सबसे कम काम, कुछ आता जाता कुछ नहीं, मैं पुराना हूं, इतने सालों से काम कर रहा हूं, ये पैड़ी लाई है मैंने, सबसे ज्यादा परिश्रम मेरा है। तो बोले नहीं भैया, खेल का नियम है। तो बोले ऐसा खेल हमको नहीं खेलना, आप मुझे राजा बनाओगे तो मैं खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता भाई, नियम है, ब्रह्मा जी ने बनाया है, कोई नहीं उसको तोड़ सकता। तो बोले ठीक है, फिर हमको खेलना नहीं, हमने अपना सामान लाया था वो लेते हैं और हम घर वापस जाते हैं। उसने अपना वो बड़ा पत्थर निकाल लिया और घर चला गया, उधर सारा गिर गया। तात्पर्य है कि हमको अगर ऐसा होना है, पूरे समाज को एक करना है, तो अहंकार को भूलकर, स्वार्थ को छोड़कर,
निर्भय होकर और मजबूरी से नहीं प्रेम से अपनों के लिए काम करना पड़ेगा। यहां पर प्रभु रामचंद्र जी ने जो प्रतिज्ञा की थी, निश्चर ही न करहु मही भुजय उठाय प्रणकीन, वो कोई अपने लिए नहीं की थी, उनका कोई संबंध नहीं था। 14 साल जैसे तैसे जंगल में गुजारते, वापस जाते, अयोध्या का राजा बन जाते, राक्षसों से झगड़ा मोल लेके सारे कष्ट ही तो भोगे, लेकिन ये झगड़ा उन्होंने खुद को मोल लिया, वो स्वार्थ का काम नहीं था, उसमें अहंकार भी नहीं था। हर बार उन्होंने शक्तियों की पूजा की है, संतों की पूजा, सबके सामने नम्र हुए। और एक रामायण में तो कहानी ऐसी है कि रावण को बाण लगा, मृत्यु भूमि पर पड़ा है रणभूमि में, तो लक्ष्मण जी को राम कहते हैं कि जाकर रावण को नम्रता पूर्वक प्रणाम करो और राज्य प्रशासन की विद्या उससे सीख लो, वो सबसे बड़ा विद्वान है। इस नम्रता के साथ उन्होंने काम किया, निस्वार्थ बुद्धि से किया, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी ये करने की। और राक्षसों से अधर्म से लड़ाई करते समय उनके मन में भय भी कुछ नहीं था। महाराज जी ने कहा है, धर्म के विग्रह रूप राम के जैसा बनने से प्रारंभ करना पड़ेगा, उसी का अनुकरण नाना जी ने किया। यहां अपने लिए काम नहीं किया, अपनों के लिए काम किया। नाना जी कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। नाना जी कोई ऐसे अपने आप थोड़ी बने, बचपन से बनते रहे, बन गए। हम अभी शुरू करें, हम भी बन जाएंगे। और इसलिए उस बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, मैं एक एक पंक्ति बताता हूं, आप लोग दोहराइए। ये एक संकल्प है जो आज हमको लेना है, प्रामाणिक मन से लेना है, सभा का रिवाज इस नाते नहीं लेना है, अपने मन से लेना है। और उसका पूरा होते तक पालन करना है। वो संकल्प मैं आपको एक एक पंक्ति बताता हूं। संतों से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, वे भी इसको दोहराए। संकल्प मैं पढ़ता हूं, पंक्ति पंक्ति आप उसको पुनरुच्चारित करें। मैं कहिए, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। महिलाएं कहे संकल्प लेती है, संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू समाज के संरक्षण संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हिंदू बहनों की अस्मिता
हिंदू बहनों की अस्मिता, सम्मान और शील की रक्षा के लिए, सम्मान और शील की रक्षा के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा, मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा, मैं जाति जाति वर्ग वर्ग भाषा भाषा पंथ के भेदभावों से पंथ के भेदभावों से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को समरस सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। भारत माता की जय। अब ठहरो, नारे देने के पहले सोचो, तिल 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 अपनी आदत को आचरण को बदलकर संकल्प में आपने जैसा कहा है वैसा अक्षरशः हमको बनते रहना है, बन जाने तक बनते रहना है। धीरे बनेंगे जल्दी बनेंगे बात अलग है, बनने का प्रयास सतत जारी रहेगा तो आपके करने में स्वयं भारत की चित शक्ति भारत माता प्रत्यक्ष अपना पूर्ण सामर्थ्य भर देंगी और यश आपके पास खींचकर आपके झोली में डाल देंगी। ये विश्वास के साथ कहता हुआ और यही शुभकामना आपको देता हुआ मैं अपने चार शब्द समाप्त कर। श्री राम जय जय राम बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।